क्या आप जानते हो, एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग केवल इशारों में ही बातें करते हैं। वीडियो मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। विश्वा में एक ऐसे गांव है जहाँ लोग बोलने की अपेक्षा हाथों के इशारे से बातें करते हैं। 80% लोग वहाँ पर केवल इशारों में ही बातें करते हैं। आप भी हो गए ना हैरान। इंडोनेशिया के एक गांव में बेंगकला गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ हाथों के इशारों में ही बातें करते हैं। इस गांव के लोग हाथों के इशारे से ही अपने दुख सुख एक दूसरे को बांटते हैं। है ना गजब। बेंगकला गांव के लोगों को डीफ विलेज के नाम से भी जाना जाता है। बेंगकला गांव की एक हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव के लोग घर परिवार में ही नहीं बल्कि अधिकतर दफ्तरों यानी ऑफिस में भी इशारों में से बातें करते हैं। बेंगकला गांव में सारी व्यवस्था यहाँ के स्थानीय लोग ही संभालते हैं। बेंगकला गांव में बोले जाने वाली इस सांकेतिक भाषा को काटाकोलक भाषा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है यह गांव सैकड़ों साल पुरानी है। बेंगकला गांव के अधिकतर लोग बोलने और सुनने में सक्षम नहीं। इस गांव के बच्चे जन्म से ही बोलने और सुनने की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अभी भी यह बीमारी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इस बीमारी को भौगोलिक स्थिति का कारण बताते हैं। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।